गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मे यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर से नए वीडियो ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। जो कि जैसे कि दोस्तों आज हमारे गांव में हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना है और उसका आज प्राण प्रतिष्ठा है। उनकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है। हम बाबू आए हुए हैं घूमने के लिए, जो कि दिखाने के लिए छोटे छोटे दोनों बाबू को, बड़े और छोटे के दोनों को घुमाने के लिए आए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में जो कि बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर छोटे सा, और टेंट पंडाल से घेरा हुआ क्योंकि बारिश का मौसम काफ़ी कर रखा है और मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा है। इस वजह से टेंट से मियाना के साथ वाटर प्रूफ किया गया है टेंट को, और अंदर पूरा व्यवस्था 24 घंटा के अखंड है। और उसके बाद पूजा पाठ कलश यात्रा भी निकलेगा। और ये देखिए दोस्तों, जो कि आसपास की जितने भी महिला हैं वो धीरे धीरे करके मंदिर के पास में पहुँच रहे हैं। जो कि जो जो कलश लेने वाली महिला हैं वो सारे लोग एक जगह पर इसी मंदिर के पास में एकत्रित होंगे और इसी जगह से कलश लेकर निकलेंगे। और चलिए आप लोग को अंदर में दिखाते हैं मूर्ति, जो कि अभी पर्दा में है दोस्तों। जब तक के लिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक मूर्ति से गमछा नहीं हटाया जाएगा, पर्दा नहीं हटाया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, स्वामी जी का चेला जो कि पूजा करवाने वाले यही लोग हैं, जो कि पूजा पाठ के सामान सामग्री सजा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, गर्मी से इतना हालत ख़राब है दोस्तों। ठीक सामने पर्दे में लगाया गया है पंखा, और इसी बगल में, इसी जगह मंदिर के बगल में 24 घंटा के लिए अखंड होगा दोस्तों, इसी जगह पर। और इधर में देखिए दोस्तों, बाजा बत्ती के लिए साइड में लगाया गया है क्योंकि बारिश का भी मौसम किए हुए है इस वजह से। चलिए आप लोग को बाहर में दिखाते हैं कि क्या क्या बाहर में व्यवस्था किया गया है लोगों के आने जाने वाले का और रहने सहने वालों के। देखिए दोस्तों, बगल में स्कूल है सरकारी, इसी में व्यवस्था किया गया है रहने सहने का और खाने पीने का भी। ये देखिए दोस्तों, सामने से देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। चलिए आप लोग को अंदर में स्कूल के अंदर में दिखाते हैं कि अंदर में क्या क्या व्यवस्था है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। ये देखिए दोस्तों, दो घोड़ा आया है दोस्तों, जो कि देख सकते हैं कि सामने में चारा दिया गया। अभी जब तक के लिए कलासी नहीं उठेगा तब तक ये चारा दे करके खाना खिलाया जा रहा है इसी जगह पर स्कूल के बगल में। ये देखिए दोस्तों, दो रूम है, एक रूम में रहने सहने के लिए और दूसरे रूम में खाने पीने का सामान रखा गया है। और चलिए आप लोग को आगे में दिखाते हैं, दूसरे घोड़ा भी तैयार है जाने के लिए। और जो घोड़ा चालक है दोस्तों, जो देख सकते हैं कुर्सी पर बैठे हुए हैं, देखिए अब खाने के लिए चारा दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, जो कि बाबा हैं जो कि घोड़ा पर सवार होकर के ही घोड़ा दौड़ाएंगे। और देखिए जी कैसे जावा पहनाते हैं अब, क्योंकि समय भी हो रहा है कलश उठाने का, तो ये तैयार हो कर रहे हैं घोड़ा को। और देखिए बाबू, मेरा बड़े बाबू और छोटे बाबू दोनों घोड़ा को देखने के लिए काफ़ी देरी से उत्साह था, तो हम घोड़े के पास में लेके चले आए हैं और घोड़े पर भी बैठाएंगे दोनों का। ये देखिए दोस्तों, जावा कैसे पहनाया जा रहा है, जैसे गाड़ी का डिस्क ब्रेक होता है उसी तरह घोड़े का भी डिस्क ब्रेक लगाया जा रहा है, चेक कर लिया जाएगा दोस्तों। ये जावा हो गया दोस्तों, इसी लगाम बोलते हैं इसे, जो घोड़ा को पहना रहे हैं बाबा, जो लगाम बोलते हैं। अच्छा, चलिए सारे लोग एक जगह पर पहुँच गए हैं, जितने भी महिला लोग कलश लेने वाले हैं सब एक जगह पर पहुँच गए हैं अभी। और जितने भी आसपास के गांव के महिला लोग हैं जो भी कलश लेने वाले हैं सब एक जगह पर एकत्रित हो गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कितना कलश लेने वालों का भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि छोटे बाबू डीजे के पास में कैसे डांस कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, डीजे के पीछे दोनों भाई एक जगह पर कैसे डांस कर रहा है। ये देखिए छोटे बाबू कैसे डांस कर रहा है, जो देख सकते हैं डीजे बज रहा है और डीजे के पीछे खड़ा होकर के कैसे डांस कर रहा है, ये देख सकते हैं। चलिए आप लोग कलश निकलते हुए दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कलश लेकर सारे महिला लोग, महिला जो जितने भी महिला कलश लेने वाले थे सारे के सारे कलश लेकर के कलश मंदिर के पास से निकल गए जलभरी के लिए। ये देखिए जी कितना भीड़ है दोस्तों, आसपास के गांव के लोग और मेरे गांव के लोग जितने भी महिला हैं सारे लोग एक जगह पर एकत्रित होकर के कलश लेने के लिए लेकर निकल गए हैं। देख सकते हैं कि गांव वाले लोग सब झंडा पताका लेकर के तैयार हैं और चल रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि धीरे धीरे लाइन बनाकर चलेंगे और जल्दी ही जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मौसम भी खराब है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा उमस टाइप का कर रखा है। और देख सकते हैं मेरा बड़े बाबू और छोटे बाबू दोनों एक एक झंडा पकड़ करके खड़ा है नदी जलभरी के यात्रा में जाने के लिए। देखिए दोस्तों, आगे आगे डीजे जा रहा है और पीछे से सारे लोग जा रहे हैं, डीजे बजते हुए जा रहा है, पीछे से धीरे धीरे जयकारा लगते हुए सारे लोग निकल गए हैं। आइए देखिए कैसे जा रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि रोड जिस जगह पर जा रहे हैं दोस्तों, रोड थोड़ा सा गीला है और ख़राब है, तो लाइन में लगाकर जाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आगे से चल करके लाइन लगाकर सारे लोग जाएंगे। देख सकते काफ़ी ज़्यादा भी गर्मी कर रखा है,
असारी लोग का स्थिति बहुत ख़राब कर रखा है दोस्तों गर्मी से। अब बारिश भी थोड़ा सा हो रहा है, रात में बारिश हुई थी, दिन में बारिश नहीं हो पाई थी। चलिए आप लोग को दिखाते हैं आगे से, देखिए सारे लोग धीरे धीरे करके लाइन लगा करके जा रहे हैं। देखिए जो विकास भी है धीरे धीरे सारे लोग का लाइन में लगा रहे हैं, क्योंकि लाइन में चलने पर अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा शोभा बढ़ जाता है दोस्तों। लाइन लगाकर जाने में सहूलियत होती है, धीरे धीरे करके सारे लोग एक जगह पर ही जाना है दोस्तों, एक जगह से ही जल भरना है, तो लाइन लगाकर धीरे धीरे जाएंगे। अधिक तक से जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सारे के सारे का झंडा पकड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों कैसे लाइन लगा दिया गया है, ये देखिए कैसे सारे महिला, ओनली फोर महिला लोग ले रखे हैं। जितने भी महिला देख रहे हैं आसपास के गांव का है और मेरे भी गांव का महिला लिए हुए हैं, कलश लेकर के निकली हुई है, एक कलश और एक नारियल लेकर के तैयार है, जा रहे हैं सारे के सारे जलभरी के लिए नदी पर। ये देखिए दोस्तों ये सारे लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, और तो और पीछे रह गए हैं। धीरे धीरे करके सारे लोग धीरे धीरे करके नदी के किनारे आ जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों पीछे से डीजे और आगे आगे जितने भी कलश लिए हुए हैं लोग और महिला सारे के सारे, ये देखिए घोड़ा कैसे दौड़ा है, दौड़ होता है देखिए घोड़ा के दौड़, देखिए जो दिखाए थे दो घोड़ा कैसे घोड़े का रेस होता है, ये देखिए दोस्तों कैसे घोड़ा दौड़ रहा है, कितना मस्त लग रहा है दोस्तों। ये व्यू जो और मौसम भी थोड़ा सा सुहाना कर रखा है, गर्मी तो है ही, ये तो लाजमी बारिश नहीं हो पा रहा है क्योंकि रात में बारिश हुई थी, इस समय नहीं उमस टाइप का कर रखा है। देखिए घोड़ा दौड़ा करके अब एक जगह पर खड़ी कर लिया गया है। चलिए आप लोग को नदी में व्यू दिखाते हैं कि जलभरी कैसे हो रहा है। और जलभरी से पहले दोस्तों जितने भी पूजा पाठ हो रहा है, पहले कलश में चावल अक्षत वगैरह जो भी मंत्र उच्चारण करके चावल डाला जाता है, उसके बाद जा करके सारे लोग कलश में जल भर करके उसके ऊपर में नारियल और आम का पत्ता भर करके रेडी हैं। देखिए सारे लोग पीछे खड़ा है, हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं कि क्या क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा में, क्या क्या लोग पंडित जी करवाते हैं। आई देखिए मेरे बड़े बाबू, इधर देखिए छोटे बाबू, दोनों खड़ा है झंडा पटाखा लेकर के। इधर देखिए सारे के सारे लोग जलभरी कर लिए हैं, जितने भी लोग जो कलश लिए हुए हैं सारे के सारे लोग जल भर कर रेडी हैं और पूजा पाठ हो गया है। इधर में देख सकते हैं कि कितना थोड़ा सा धूप कर रखा है, बाकी उमस टाइप का देख सकते हैं मेरा फेस कितना पसीना से भींगा, सारे का सारा कपड़ा भींगा हुआ है दोस्तों पसीना से सिर्फ ओनली। आप देख सकते हैं नदी से सारे के सारे लोग जल भर लिए हैं। चलिए आप समय हो गया लेकर के निकलने का, तो ये देखिए दोस्तों जल भर आ गया है, तो पूजा पाठ हो गया नदी के किनारे जल भर कर, तो सारे के सारे लोग निकल रहे हैं धीरे 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 करके। ये देखिए दोस्तों कैसे कितना अच्छा लग रहा है जल भर कर निकला गया है, जो जलभरी सारे लोग लेकर के जल लेकर के निकल गए हैं। फिर उसी जगह पूरे गांव को परिक्रमा लगाया जाएगा, उसके बाद मंदिर का चार परिक्रमा लगाया जाएगा, चार या पांच जितने भी होता है वो परिक्रमा लगा करके दोस्तों कलश को उसी मंदिर के सटे हुए सारे के सारे मंदिर पर के पास में ही रख दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों सारे के सारे कलश लिए हुए, जितने भी महिला लोग कलश लिए हुए हैं उस सारे के सारे लोग मंदिर के परिक्रमा और गाँव के परिक्रमा लगाया जाएगा दोस्तों। ये मेरे बाबू झंडा पताका लेके जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहा है। और ये देखिए मेरे बाबू गर्मी के कारण हालत ख़राब हो गया है तो सो गया है, और उसे कंधा पर ले करके हम जा रहे हैं मंदिर के पास में, उसी जगह सोलाएंगे क्योंकि व्यवस्था किया है सोने वोने का। ये देख सकते हैं दोस्तों, चलिए हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के पास में। देखिए कैसे मंदिर का परिक्रमा लगाया जा रहा है, सारे लोग जितने भी हैं कलश लिए हुए सारे के सारे लोग मंदिर का परिक्रमा लगा रहे हैं। देख सकते हैं आसपास देखने वाले लोग, देखने वाले के बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। देख सकते हैं कि जो श्रोता हैं, जो मुख्य श्रोता हुए देखिए आगे आगे हैं, एक जेंट्स है और उनकी वाइफ है, जितने भी श्रोता बने हुए हैं जो दो श्रोता हैं इसमें जो किचक हो रहा है तो प्राण प्रतिष्ठा में, ये सारे के सारे लोग कलश लिए हुए हैं। देख सकते हैं जितने भी गांव के आसपास के महिला हैं और बेटी बहू है सारे के सारे माथे पर कलश लेकर के चारों पट्टी मंदिर का चार पांच परिक्रमा लगाएंगे, और उसके बाद सारे का सारा कलश एक जगह पर रख दिया जाएगा। अब देख सकते हैं कि कितना भीड़ है दोस्तों, और सारे का पीने के लिए सारा शरबत और फल फ्रूट वगैरह सारे का सारा एक रखा हुआ है।
चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि, और ये देखिए दोस्तों लास्ट राउंड है, और धीरे धीरे कर करके कलश एक जगह पर रख दिया जाएगा। देखिए सारे महिला लोग जितने भी कलश लिए हुए थे सारे के सारे लोग एक जगह पर रख, जिस जगह पर अखंड होने वाला है 24 घंटा के लिए अखंड होने वाला है उस जगह पर सारे का सारा कलश रखा गया है दोस्तों। धीरे धीरे करके सारे महिला लोग एक जगह पर रख देंगे और उसी जिस समय रखा जाएगा दोस्तों उसी समय से अखंड चालू हो जाएगा 24 घंटे के लिए। और जितने बजे स्टार्ट हो गया अखंड और कीर्तन जो स्टार्ट होगा उसी समय बंद भी होना है दोस्तों। जितने बजे अगर 11 बजे चालू हुआ है दोस्तों तो 11 बजे ही कल बंद होगा 24 घंटा का। देख सकते हैं कि सारे जितने भी माथा पर कलश लिए हुए सारे के सारे लोग रख दिए हैं और धीरे धीरे करके सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे जितने भी रख जो रख दे रहे हैं तो स्पेस थोड़ा सा कम है इस वजह से धीरे धीरे करके सारे लोग धीरे धीरे रख करके बाहर निकल रहे हैं क्योंकि इस जगह पर स्पेस की कमी है और इसी जगह खंड होने वाला है दोस्तों। ये लोग सारे के सारे रख करके निकल जाएंगे दोस्तों तो फिर 24 घंटा के लिए खंड चालू हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आएंगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों आप, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। देखिए व्यवस्था दोस्तों सबका खाने पीने के लिए व्यवस्था कर दिया गया है दोस्तों। खाने पीने के पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। शरबत जो भी अभी आए हैं तो पहली राउंड में शरबत चलेगी दोस्तों, उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए लोग का व्यवस्था किया गया है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि मंदिर का, और फाइनली दोस्तों सारे के सारा कलश रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो कि सारे लोग रख कर निकल गए हैं बाहर में, और जितने भी पुजारी हैं आप पुजारी और गांव वाले जितने भी अखंड करने वाले लोग हैं ये सारे के सारे निकल जाए, निकल जाने के बाद सारे लोग आकर के अखंड चालू हो जाएगा दोस्तों। देख सकते कितने लोग कितना महिला लोग लिए हैं कलश, वो देख सकते ये देखिए मेन कलश हुआ जो ई कलश हुआ जो कि सामने में दिखाई दे रहा है वो मेन कलश हुआ दोस्तों बैठाया गया है। उसके बाद ये लोग ये देखिए हनुमान जी का मूर्ति जो कि अभी पर्दा में है, और दोस्तों अखंड समाप्त होने वाला जो कि देख सकते हैं गांव वाले एक साथ मिलकर के कैसे अखंड को म्याज में गा रहे हैं, मूड में गा रहे हैं। और लास्ट क्योंकि लास्ट है जो कि समय पूरा होने वाला है 24 घंटा, और लास्ट है पूजा पाठ भी कंप्लीट हो गया। चलिए आप लोग को दिखा रहे हनुमान जी का भी दर्शन करवाएंगे, और इधर हम बैठ करके भजन गा रहे हैं कीर्तन में बैठे हुए क्योंकि लास्ट समय था तो हम भी अखंड गा लेते हैं दोस्तों। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं हनुमान जी का दर्शन करवाते हैं जो कि पूजा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। कैसे देख सकते हैं गांव वाला किस तरह से गा रहे हैं, कैसे गाते हैं आप लोग को एक झलक देख सुन सकते हैं। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि हनुमान जी का दर्शन करवाते हैं। इधर देखिए बाबू बैठा हुआ है या छोटा वाले बाबू भी दोनों साथ बैठ करके गा रहे हैं, वे गा नहीं रहे बट देख रहा है अखंड में सम्मिलित हो गया है दोस्तों। और चलिए आप लोग को दर्शन करवाते हैं बजरंगबली के। दर्शन करवाने से पहले दोस्तों प्रसाद ले लेते हैं क्योंकि गांव वालों के लिए प्रसाद चालू है तो हम भी प्रसाद ले लेते हैं, और हम और बाबू दोनों एक साथ में प्रसाद लेकर के प्रसाद खा लेते हैं। खाने के बाद आप लोग को दर्शन करवाते हैं बजरंगबली का। तो आप किस तरह का मूर्ति है दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखिए कितना पूरे गाँव में जवार में बांटने के लिए खीर बनाया गया है, देख सकते हैं कितना लोग प्रसाद लेने के लिए आए हुए हैं आप देख सकते हैं, या स्कूल के बच्चों को भी प्रसाद खिलाया जा रहा है। चलिए आप लोग को बजरंगबली के दर्शन करवाते हैं। देखिए दोस्तों मेरे गांव में जो हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ये देखिए बजरंगबली कैसा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कितना सुंदर सा बजरंगबली का मूर्ति है दोस्तों। आइए देखिए इधर पूजा पाठ हुआ है, सारा सामग्री बिखरा पड़ा है। चलिए आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।